हेलो दोस्तों, हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो कि पूर्ण वर्ग हो और तथा 3, 4, 5, 6, 8 में से प्रत्येक से विभाजित भी हो। तो इस तरह के सवाल को हम क्या कैसे करेंगे, पहले सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे, 3, 4, 5, 6 और 8 का हम एलसीएम लेंगे। सबसे पहले 2 से करेंगे, 2 × 4, 5 × 5 = 2, 3 × 6 = 2, 4 = 8। फिर हम 2 से करेंगे, 3, 1, 5, 3, 2। एक बार फिर हम 2 से करेंगे दोस्तों, 3, 1, 5, 3, 1। अब हम 3 से करेंगे, 3 × 3 = 1, 5 × 3 = 3 = 1। अब हम 5 से करेंगे। यानी कि हमारे पास जो एलसीएम के गुणनखंड आए हैं ये आए हैं, 2 × 2 × 2 × 3 × 5। अब इसमें बोला क्या गया है, बोला यही है कि दोस्तों जो संख्या जो पूर्ण विभक्त होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, पूर्ण वर्ग होनी चाहिए, वर्ग होनी चाहिए। तो इस तरह के सवाल को हम करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे इस फैक्टर में जो हमारा गुणनखंड आया इसमें क्या होना चाहिए कि जोड़े होने चाहिए, जो जोड़े हैं उनको हम सबसे पहले लिख लेंगे। जैसे ये 2 की पावर 2 है, अब इसमें कोई जोड़ा नहीं है तो हम क्या करेंगे, सभी की पावर को 2 कर लेंगे। अब इसको सोल्व करेंगे तो इसने वर्ग बोला है तो वर्ग करेंगे, क्यूब बोला तो क्यूब करेंगे। अगर क्यूब बोला होता तो हम 3 को ऐसे लिख लेंगे, इनका क्यूब कर देते। इसने स्क्वायर बोला है तो हमारे पास क्या आएगा, 3600 आएगा दोस्तों। इसको सोल्व करने के बाद यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D इज राइट।